हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुक इजी एंड डिलीशियस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाने के लिए ना तो आपको आलू चाहिए, ना साबूदाना और ना ही पोहा। बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो इस रेसिपी को फटाफट से बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखी है और साथ ही ऐड कर दिया है एक कप मैदा। आप चाहें तो इस रेसिपी को बना सकते हैं गेहूं के आटे से भी, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये देखिए, मैंने मैदे को छान लिया अच्छे से। साथ ही यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून अजवाइन हथेलियों के बीच में अच्छे से मसल लें, फिर ऐड करें। और कस्तूरी मेथी यहाँ पर मैंने ऐड किया एक चम्मच के करीब। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड किया ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। और यहाँ पर दो बड़े चम्मच मैं ऑयल के ऐड कर दूंगी। ये देखिए, अब इन सारी चीज़ों को हम आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आटे के अंदर मोयन कम लगता है तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी भी, जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको बाइंड कर रही हूँ तो अच्छे से बंध रहा है, तो यानी कि आटे के अंदर मोयन परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना आपने, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। ये देखिए, और अच्छे से मसलें आटे को। अब थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है और अच्छे से हम क्या करेंगे, आटे को गूंधेंगे और अच्छे से आपने पंच लगाने और एक टाइट सा डो बनाकर रेडी कर लेना है। तो बहुत ही इजी है डो बनाना। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। इसको हम साइड में रखेंगे रेस्ट के लिए 5 मिनट के। सेम उसी बाउल में मैंने यहाँ पर जिस कप से आटा नाप के लिया था, उसी कप से मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन नाप कर लिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए, कस्तूरी मेथी ऐड की है। साथ ही यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, चाट मसाला ऐड किया है और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सारे मसालों के साथ मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है मोयन के लिए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने आटे का डो लगाया था, यहाँ पर हमने बेसन का डो लगाना है। तो फ्रेश हरा धनिया भी साथ ही मैंने ऐड कर दिया। बहुत ही ईजी है ये रेसिपी बनाना, आप फ्री टाइम में इस रेसिपी को बना सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए। बेसन में आपको पानी बहुत हिसाब से डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है ना इसका डो लगाना है। तो अगर आप पानी एक बार में डाल देंगे तो डो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपने अच्छे से आटा लगा लेना है। तो ये देखिए, अब जो बेसन जो है ना हमारा अच्छे से बन चुका है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पंच लगाऊंगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कम है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून करीब पानी ले सकते हैं और इसका अच्छा सा डो तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसन वाला डो भी रेडी हो चुका है, इसको भी हम रेस्ट के लिए रखेंगे 5 मिनट के तक। तो 5 मिनट बाद ये देखिए, जो हमने पहले आटे का डो लगाया था, उस आटे के डो को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और अच्छे से हमें क्या करना है, इसको बेलना है। तो हम एक बड़ी गोल शीट बेल कर तैयार कर लेंगे। पहले आप क्या करें, अच्छे से बेल लें, बड़ा कर लें। ये देखिए, किनारों से आप बेलना शुरू करें ताकि जो है सारी तरफ जो है इक्वल रहे। तो मैं अच्छे से बेलूंगी, इसको बड़ा कर लूंगी, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना इसी तरीके से, क्योंकि ये आटा टाइट है तो इसको बेलने के लिए ज़्यादा सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये शीट जो है ना थोड़ी सी रोटी से थोड़ी सी मोटी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा टेबल पर ऑयल ऐड लगा रही हूँ, जिससे कि अब हम बेसन को बेलेंगे। तो बेसन जो है ना थोड़ा सा चिपकता है, तो बेसन के जो डो को हम अगर जब बेलें तो वो बिल्कुल भी ना चिपके, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। तो अब हमें क्या करना है, बेसन को बेलना है। बेसन का जो डो होगा थोड़ा क्रैकी रहता है, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा रहता है और टूटता भी जल्दी है, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, बेसन को उठाना है और बगैर उसके साइज़ की और उसकी परवाह करते हुए उसको अच्छे से बड़ा बेल लेना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि गोल नहीं मिला, आपको एक बड़ी शीट बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरीके से, अब उस शीट को आपने आटे के डो वाली शीट के ऊपर रख देना है और जो इसका अनइवन पार्ट है ना उसे हम बाद में निकाल लेंगे। अब एक बार थोड़ा सा बेलन चला लेते हैं इसके ऊपर, ताकि जो बेसन की वाली शीट जो है ना आटे वाली शीट पर अच्छे से स्टिक हो जाए। अब ये देखिए, मैं नाइफ की मदद से क्या करी, मैंने कहा था ना आपको, आप साइज़ की और उसकी परवाह ना करें कि गोल है। ये देखिए, अच्छे से हम क्या करेंगे, इस पर सेट कर लेंगे, जो फालतू है बेसन उसे हम निकाल लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से दबाते हुए रोल बना लेना है इसका। ये देखिए, बहुत ही ईजी है इसे बनाना।
तो हम क्या करेंगे, लपेटते जाएंगे और इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब ये रोल बनकर रेडी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे रोल ऑन करेंगे ताकि दोनों शीट्स जो हैं आपस में अच्छे से चिपक जाएं। अब इसका जो साइड्स वाले पोर्शन है इन्हें हम कट कर लेंगे अनइवन पार्ट को, ताकि हमारा जो रोल है वो इक्वल हो जाए। ये देखिए, अब ये सिलेंडर शेप का हमारा रोल इक्वल हो चुका है। अब नाइफ की मदद से हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अंदर एक कलर आ रहा है और ऊपर से वाइट लेयर, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कट करते जाएंगे। तो ये हमारे जो है ना सारे पीसेस रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, हल्का सा इसके ऊपर बेलन चला लेना है ताकि ये गोल हो जाए। आप चाहें तो दोनों हाथों के बीच में रखकर प्रेस कर सकते हैं, उससे भी ये गोल हो जाएगा, लेकिन हल्का सा बेलन चलाएंगे तो बहुत ही प्यारी शेप इसकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करें, सारे पीसेस के ऊपर हल्का सा बेलन चला लें और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन इनके ऊपर आ चुका है। साथ में मैंने ना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब मीडियम गर्म हो जाए आपका, तब आपने एक एक पीस जो है ना इसके अंदर डाल देना है। तो इस स्नैक्स के अंदर दो लेयर है, एक लेयर में ना ऐसा स्वाद आता है जैसे भुजिया के अंदर आता है और दूसरी लेयर में क्रिस्पी स्नैक्स का स्वाद आता है, जैसे कि मट्ठी वगैरह हम खाते हैं ना नॉर्मल, तो दोनों फ्लेवर इन स्नैक्स के अंदर आते हैं और चाय के साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। जब दोनों लेयर्स का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, आपने जब इन स्नैक्स को निकाल लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए स्नैक्स का कलर चेंज हो चुका है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इन गर्मा गर्म स्नैक्स को आप चाय के साथ भी खा सकते हो। और इन स्नैक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एयर टाइट बॉक्स में 1 मंथ के लिए इन्हें स्टोर भी कर सकते हो। जिस तरीके से हम मट्ठी पापड़ी वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, इसी तरीके से इन स्नैक्स को भी आप स्टोर करके रख सकते हो। और जब आपको चाय पीनी हो या आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक करें बगैर बिल्कुल भी नहीं जाया करें। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।